हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं हूं गौरव और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम बीएमएस फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी यानी कि रेशनल शरीर के चैप्टर्स को पढ़ रहे थे और हमने ऑलमोस्ट 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। और हमारा ये फोर्थ चैप्टर है, इसका नाम है पेशी सारी। और चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तो हमारे सिलेबस में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको कवर करने हैं। और उसमें से पेशी की व्याख्या, पेशी की संरचना, पेशी के प्रकार, पेशी की संख्या और पेशी का महत्व। तो व्हाट इज पेशी? पेशी होता है हमारे मसल्स। जो हमारे मसल्स होती हैं वो पेशी से मिलकर बनी होती हैं, तो ओवरऑल उसको हम मसल्स ही बोलते हैं। सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे पेशी की व्याख्या यानी कि अबाउट द पेशी। तो इसका श्लोक है हमारा ये, मांस वयव, इसको हम बोलेंगे मांस अवयव, मांस वयव संघात परस्पर विभक्त पेशी उच्चते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मांस का अवयव जो परस्पर में आपस में विभक्त होता है उसको पेशी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि संघात का मतलब यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स, जिससे मांस कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है उसको हम पेशी बोलते हैं। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मांस के अवयव का संघात यानी कि कॉम्प्लेक्स जो कि आपस में विभक्त यानी कि अलग अलग होता है उसे पेशी कहते हैं। और पेशी क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, पेशी मांस का टुकड़ा है, मांस का टुकड़ा है। और थोड़ी दो चार लाइन इसमें हम और लिखेंगे जिससे कि थोड़ा पेज भर जाए और उनको नंबर भी थोड़े अच्छे मिल जाए। ठीक है, तो आगे लिखिएगा इसमें। तो मैं यहाँ पर दो लाइनें और लिखेंगे, पेशी में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। और आप लोग सोच रहे होंगे पृथ्वी महाभूत इसमें कहाँ से आया? तो हमारे आयुर्वेद में जितनी भी चीज़ें हैं सभी जो पंच महाभूत हैं उससे मिलकर बनी हुई हैं। और पंच महाभूत आपको पता ही होगा, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये हमारे पंच महाभूत होते हैं। जिसमें से जो पृथ्वी महाभूत है उसकी प्रधानता यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रधानता मतलब कि वो चीज़ ज़्यादा होगी। और सप्त धातु में से तीसरी धातु है। और बिकॉज ऑफ हम पता है कि पेशी को मांस बोलते हैं, तो रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसमें जो हमारी मांस है वो तीसरी धातु है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको लिख रखा है। चलिए, हमारा ये पहला पॉइंट हो गया है कवर अपना, पेशी की व्याख्या। अब हम पढ़ेंगे पेशी की संरचना। तो इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे पेशी की संरचना। तो स्ट्रक्चर ऑफ पेशी कैसा होता है? पेशियाँ स्नायु यानी कि मसल्स की आकृति यानी कि शेप की होती हैं, जिनके मध्य में यानी कि मिडिल में मांस होता है। आपको पता होगा कि जो मसल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं ऐसे करके। तो ऐसे ही हमारी पेशियाँ होती हैं। ठीक है, और चलिए हमारा ये सेकंड पॉइंट भी हो गया है कंप्लीट, और पेशी की व्याख्या और पेशी की संरचना। तो इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे पेशी के प्रकार। और मोस्टली पूछे जाते हैं, आप जब पेशी पढ़ेंगे मसल्स पढ़ेंगे उसमें भी पूछे जाते हैं, और जो प्रकार इसके हैं वही उसके हैं, क्योंकि एक ही चीज़ होती है। पढ़ते हैं पेशी के प्रकार से, और इसका भी श्लोक आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा हमारा श्लोक, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं भी याद करते हैं तो एटलीस्ट आप जो पेशी के टाइप्स हैं ये हमारे होती हैं 12 तरीके की, इसको याद कर लीजिए और इनके नाम। और अगर आप इसको श्लोक से याद करेंगे तो आपको याद में रहेंगी, और अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा श्लोक देखने में, 4 लाइन का, और शुरुआत में मुझे ही लगा था बहुत बड़ा, पर धीरे धीरे याद करता गया तो याद हो गया था। ठीक है, चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है श्लोक का मतलब। तो तासा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मतलब कि बेसिक प्रकार में है कि यह है। तासा मतलब होता है यह है। बहल यानी कि लार्ज, आप साथ साथ में इसको लिखते जाइएगा, योगी लार्ज। पेलव यानी कि स्मॉल, स्थूल यानी कि थिक, एंड अड़ू का मतलब होता है हमारा थिन। प्रथु यानी कि फ्लैट, वृंत यानी कि राउंडेड। ठीक है, बहल यानी कि लार्ज, पेलव यानी स्मॉल, स्थूल थिक, अड़ू थिन, प्रथु फ्लैट, वृंत राउंडेड। हस्व, ये होता है हमारा सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट वो दिख रहा होगा आपको। दीर्घ यानी कि लॉन्ग, स्थिर यानी कि हार्ड,
मृदु यानी स्मूथ, मृदु यानी कि स्मूथ, और सॉरी मृदु कौन होता है, सॉफ्ट, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, मृदु यानी कि सॉफ्ट, ठीक है, मृदु, ये सॉफ्ट लगा हुआ है, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, उसको मृदु बोलते हैं हम, सॉफ्ट को, मृदु मतलब सॉफ्ट। स्ट्रक्चर यानी कि ये होता है स्मूथ हमारा, ठीक है, और कर्कश यानी कि रफ। तो हमारे 12 टाइप्स के हो गए हैं, 12 प्रकार यानी कि बेसिक के, बहल लार्ज, पेलव स्मॉल, स्थूल थिक, अडू थिन, पृथु फ्लैट, वृंत राउंडेड, हस्व शॉर्ट, दीर्घ लॉन्ग, स्थिर हार्ड, मृदु सॉफ्ट, स्ट्रक्चर्ड स्मूथ, कर्कश रफ, भावा यानी कि ये इतने प्रकार की होती हैं। अब इसके यहाँ पे इसका जो 2 लाइन है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो हमारी पेशियाँ होती हैं वो संधि यानी कि जॉइंट, सरा स्नायु, प्रच्छादिका, यथा प्रत्यय स्वभावतः बनती, जो हमारे सरा और स्नायु हैं उसके अनुसार उनको एनवेलप करती है, यानी कि उनको घेर रखती हैं उसके स्थान के अनुसार, यहाँ पर जहाँ पर वो पाई जाती हैं उसको एनवेलप करके रखती हैं, ठीक है, लिगामेंट जॉइंट्स को इन्वॉल्व करके रखती हैं। तो ये श्लोक आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिख लीजिएगा इनका ऊपर का मतलब तो मैं लिख दिया, अब जो जो नीचे की जो 2 लाइन हैं वो भी इसका हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, तो आप साथ में लिखते जाइएगा। यह है मांसपेशियाँ शरीर की संधियों, सरा स्नायु को ढककर रखती हैं और वह प्रदेश यानी कि स्थान के अनुसार विभिन्न यानी कि डिफरेंट टाइप स्वरूप यानी कि आकार की होती हैं, आकार की होती हैं। तो होप आप इस श्लोक का जो मीनिंग है वो समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको पढ़ के एक बार फिर बता देता हूँ। तासा बहर पेलव स्थूल अड़ु पृथु व्रंथ हस्व दीर्घ स्थिर मधु लक्षण कर्कश भावा संध्यास्थि सरा स्नायु प्रच्छादिका यथा प्रदेशम स्वभावता है भवंती, ठीक है। और मोस्टली जो श्लोक अगर आप लिखते हैं ना तो एग्जाम के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और उससे वो नंबर काफ़ी अच्छे दे देता है। तो अगर आप एक बार हिंदी में लिख के अगर श्लोक भी लिखाएंगे जल्दी में तो उसके भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यह मेज और जिसकी जो 2 लाइनें नीचे की, यह मांसपेशियां शरीर की संधियों यानी कि जॉइंट्स, सिरा, वेन्स, स्नायु, लिगामेंट को ढककर रखती हैं और वह स्थान के अनुसार विभिन्न स्वरूप आकार की होती हैं, यानी कि जैसा इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी जो टाइप्स होते हैं पेशी के अलग अलग होते हैं, तो जॉइंट्स के अनुसार वो अलग होंगे अकॉर्डिंग टू, और लिगामेंट के अनुसार अलग टाइप की होंगी, और सिरा यानी कि वेन्स के अनुसार अलग अलग टाइप की होंगी, उसको एनवेलप करके रखती हैं, ठीक है। हमारा तो थर्ड पॉइंट भी हो चुका है कंप्लीट, जस्ट पेशी के टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे पेशी के टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। तो हमारे 3 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं चलिए हम लिख लेते हैं फटाफट से। नंबर फर्स्ट, तो हमारी 3 टाइप्स की होती हैं पेशी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सबसे फर्स्ट हमारी आती है ऐच्छिक पेशी, जिसको हम वॉलेंट्री मसल बोलते हैं इंग्लिश में। फिर सेकेंड हमारी अनैच्छिक पेशी, जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। उसके बाद थर्ड हमारी हार्द की पेशी या फिर हृदय पेशी, इनको हम कार्डियक मसल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा, मसल्स तो आपने पढ़े होंगे। तो सबसे फर्स्ट हम शुरू करते हैं ऐच्छिक पेशी से, थोड़ा थोड़ा इनका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इनको हम लिख लेते हैं फटाफट से। तो हमने लिख लिया है थोड़ा सा इनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा लिख लिया है इनका। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐच्छिक पेशी, इन पर अनुप्रस्थ धाराएँ यानी कि जो धाराएँ पाई जाती हैं अपनी मसल्स के ऊपर, लाइन्स लाइनिंग होती है ना मसल, तो आपने देखा होगा लाइनिंग सी होती है, ठीक है। तो हम उनको अनुप्रस्थ धाराएं बोलते हैं, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स, तो
उनको हम अनुप्रस्थ धाराएं बोलते हैं। तो ये प्राणियों की इच्छा के अनुसार संकोच या प्रसारण करती हैं। संकोच हमारा होता है फैलाना और प्रसारण होता है हमारा यानी कि सॉरी संकोच हमारा होता है सिकुड़ना और प्रसारण होता है फैलाना। ठीक है, अपने हाथ को हम फैला सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ठीक है का काम करती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ उन्हीं को बोलते हैं, अपने मतलब कि अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करती हैं, जैसे हमारी जो हैंड्स की मसल हो गई ठीक है। तो और नंबर सेकंड है हमारा अनैच्छिक पेशियाँ, इन पर धाराएँ नहीं होती हैं, सो हैंस कॉल्ड अराजिला यानी कि अनस्टेटेड मसल्स। तो अनस्टेटेड को हम हिंदी में बोलते हैं अराजिला, और ये अस्थियों से संबंध नहीं रखती हैं यानी कि ये किसी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ये अपने आप ही क्रिया करती हैं, अतः इन्हें स्वतंत्र पेशी भी कहते हैं। अब जब किसी से जुड़ी नहीं है तो ऑलमोस्ट अपने आप ही क्रिया करेंगी और इसलिए उनको स्वतंत्र पेशी भी कहते हैं। इसके बाद हमारा हृदय पेशी, तो नाम ही से पता ही, हृदय में पाई जाती हैं, इन पर अनुप्रस्थ धाराएँ होती हैं यानी कि ये स्टेटेड होती हैं और ये अपने आप क्रिया करती हैं, यानी कि जो हमारी ब्लड की मसल्स हैं वो सॉरी हमारी हार्ट की मसल हैं वो अपने आप ही वर्क करती हैं। और इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मसल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स नाम ही नाम लिख दीजिए आप, केवल पूरा ज़रूरत नहीं है लिखने की आपको, इतने में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको उस टाइम बच जाता है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। आपको इसमें समझ में आ गया होगा, हमारे टाइप्स ये हो चुके हैं कंप्लीट मसल्स के प्रकार। और चलिए हम अब चलते हैं हमारा जो अगला है टॉपिक पेशी की संख्या उसके ऊपर।